चोपड़ा, तीन तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जहां पर देखिए डॉक्टर महेंद्र सिंह लखनऊ में वोटिंग करते नजर आए। वहीं लखनऊ कैंट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश तिवारी ने अपना मतदान किया। वहीं सांसद सत्यदेव पचौरी ने कानपुर में वोटिंग की। वहीं जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह परिवार के साथ नजर आए, कैंट प्रत्याशी भी नजर आए और कमला रानी भी नजर आई, कैबिनेट मंत्री। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर भी और अक्षय लालगौड़ सांसद बहराइच से भी नजर आए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। एक और जहां उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर मतदान किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। आखिर क्यों किया ये बहिष्कार, देखिए रिपोर्ट। रोड नहीं तो वोट नहीं, बाराबंकी में मतदान का बहिष्कार। विकास की मांग को लेकर प्रदर्शन पूरी तरह से बहिष्कार कर रखा है कि ये लोग आज वहां पर मत नहीं डालेंगे। मतदान केंद्र पर पसरा सन्नाटा। बाराबंकी के मदारपुर अमर सिंह गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए, साथ ही विकास ना होने के चलते मतदान केंद्रों में सन्नाटा भी पसरा रहा। किसी भी ग्रामीणों ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट नहीं किया और ग्रामीणों ने जन प्रतिनिधियों अधिकारियों पर आरोप भी लगाए। हमारे गांव की कोई रोड नहीं है, हमारा लड़का कोई बीमार हो जाए तो हम लोग या तो उसको कांधे लेकर जाए, कोई 108 नंबर गाड़ियां नहीं पाती है, तो इसलिए आप बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क ना बनने की वजह से काफी परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ता है और शिकायत तो कई बार की गई लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हमारे पीछे देखिए, ये तो सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण हैं, इन्होंने पूरी तरह से बहिष्कार कर रखा है कि ये लोग आज वहाँ पर मत नहीं डालेंगे और उसका कारण और कोई नहीं है, यही एक कारण है कि यहाँ पर जो सड़क है वो आज़ादी के 70 साल बीते के बाद भी अभी तक वो सड़क बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, वहाँ से लोग जा नहीं पाते हैं, कोई अगर यहाँ बीमार भी हो जाए तो वो अस्पताल तक नहीं जा पाता है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सोचना होगा जिससे कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े और साथ ही इन ग्रामीणों की समस्या का निराकरण भी हो जाए। दीपक निर्भय, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ अन्य खबरों की। बात कमलेश तिवारी हत्याकांड की, जहां कत्ल की कड़ियां सूरत के बाद कानपुर, बरेली और शाहजहांपुर से जुड़ रही हैं। आखिरी बार दोनों कातिलों को शाहजहांपुर